अच्छा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। पिछली दो सेशन थे उसको। अच्छा, आवाज कुछ मध्यम है। अच्छा, आवाज अभी ठीक है? अगर आपको सही सुनाई नहीं देता तो ठीक है, मैं आवाज को थोड़ा ऊंचा बोलता हूँ। अच्छा, तो पिछले दो सेशन थे उसमें हमने क्लियरली बात की थी कि हमारे पास जो हमने स्ट्रेटेजी पे बात की थी कि हमारे पास एक ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी था। दूसरा, मैं उसको रिपीट कर देता हूँ अगर आप लोग उसको भूल गए हैं तो, ताकि आप लोग उसको थोड़ा सा रिकैप मिल जाए। हमने पहले तीन स्ट्रेटेजी के बारे में बात की थी। एक था हमारे पास ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी था, और दूसरा हमारे पास था रिवर्सल रिटेस्टिंग स्ट्रेटेजी था। ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी, दूसरा हमारे पास था रिटेस्टिंग स्ट्रेटेजी, और तीसरा हमारे पास था रिवर्सल स्ट्रेटेजी। और तीनों पे हमने डिटेल के साथ बात की थी। आई होप आप सब लोगों को इसका पता होगा, आप लोगों ने उसको प्रैक्टिस की होगी। ये तो हमारे पास ये हो गए। अच्छा, उसके अलावा भी हमने दूसरी सेशन में उस पर प्रैक्टिस भी की थी। उसके अलावा हमने कुछ और चीजें भी आप लोगों के साथ शेयर की थी कि किस कैंडल में हमने एंट्री लेनी है और किस कैंडल में हमने एंट्री नहीं लेनी है। इस सेशन में हम बात करेंगे कि हमने वॉल्यूम को यूज करके और उसके अलावा RSI डाइवर्जेंस को यूज करके हम अपनी स्ट्रेटेजी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ जितने भी पिछले दो सेशनों में बात की थी ये इसका कंटिन्यूएशन है। ये कोई डिफरेंट चीज नहीं है, ये उसी का कंटिन्यूएशन है। बिकॉज हम ट्रेडिंग में हम मल्टीपल चीजों को देखते हैं और उसी के मुताबिक हम अपना ट्रेड ओपन करते हैं। अच्छा, पहले आपने इस तरह करना है कि मैंने जैसे बात की थी कि आपने एक किसी भी क्रिप्टो करेंसी में अगर आपने ट्रेडिंग करनी है, जैसे मैं, मेरे पास यही क्रिप्टो करेंसी है, मैं इसी में ट्रेडिंग करता हूँ, तो मैं हर एक क्रिप्टो करेंसी का अपना एक ट्रेड सेटअप करता हूँ। तो ये देख सकते हैं कि मैंने इथेरियम का पिछले हफ्ते जो सेटअप मैंने ट्रेड सेटअप की थी, वही मेरे पास ट्रेड सेटअप है। मैंने कोई चेंजेस नहीं की है और उसी के अकॉर्डिंगली मैं एंट्री और एग्जिट लेता हूँ। तो आपने भी इसी तरह करना है और बार बार उसको चेंज नहीं करना है। अच्छा, अभी हम आते हैं, हम जो डे ट्रेडिंग करते हैं, जैसे हमने 15 मिनट की बात की थी, आप 15 मिनट में भी कर सकते हैं। हम 1 आवर की चार्ट भी लेते हैं क्योंकि हम डे ट्रेडिंग करते हैं, तो इसमें हम नॉर्मली 1 आवर की चार्ट भी लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमने जो टाइम फ्रेम है इसको मैनिपुलेट करना है। डे ट्रेडिंग में आपने एनालिसिस करते हैं 15 मिनट, लेकिन अगर आपने इसकी जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है अगर वो फाइंड आउट करना है, जो हमारे पास जो मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है, तो वहां पे हम फिर 4 आवर चार्ट पे भी जाते हैं, 2 आवर पे भी जाते हैं, 1 आवर पे भी जाते हैं। लेकिन 15 मिनट, 1 आवर आप इन सारों को यूज कर सकते हैं। 15 मिनट पे अगर आप ट्रेड लगाना चाहते हैं तो आप 15 मिनट पे लगाना सकते हैं, लेकिन आपने जो बाकी चार्ट्स है उसको भी आपने देखना है कि हमारे पास जो मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो कहाँ पे है। मैं यहाँ पे 1 आवर का ले रहा हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास इथेरियम कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। अभी आप इथेरियम की प्राइसेस को देख सकते हैं कि इथेरियम की प्राइसेस हमारे पास जैसे ही यहाँ से इसकी ब्रेकआउट हो गई, इसकी ब्रेकआउट हो गई, फिर उसके बाद उसकी प्राइसेस ऊपर की तरफ चली गई। जैसे हमने बात की थी कि ये हमारे पास कौन सा लेवल होता है, सप्लाई लेवल होता है। यहाँ पे हमारे पास सेलर होते हैं और सेलर क्या करते हैं कि उसके प्राइसेस को बेच देते हैं, जो इथेरियम है इसको फिर से बेच देते हैं, प्राइसेस नीचे की तरफ आ जाती है और यहाँ पे फिर से प्राइसेस नीचे की तरफ मूवमेंट शो करते हैं। अच्छा, अभी वॉल्यूम का इसमें क्या किरदार है और वॉल्यूम को हम ट्रेडिंग में कैसे यूज कर सकते हैं, ये इंतहाई जरूरी है और इंतहाई अहम है। बिकॉज वॉल्यूम हमारे पास एक इंडिकेटर है। आपने क्या करना है, आपने सिंपल से यहाँ पे आना है, हमारे पास जो इंडिकेटर ऑप्शन है यहाँ पे आपने वॉल्यूम लिखना है। अगर आप यहाँ पे आपने वॉल्यूम लिखना है और हमारे पास जो ये ऑप्शन है आपने इस तरह आपने इसको फिरट में डालना है। तो इस तरह आपने वॉल्यूम है, आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वॉल्यूम है। अभी वॉल्यूम में बहुत सारी चीजें हैं, हम पहले इसको डिस्कस करते हैं। पहले जो चीजें हैं उसको मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक रेड लाइंस होते हैं, एक हमारे पास ग्रीन लाइन होते हैं। अभी हमारे पास जो रेड लाइंस होते हैं, ग्रीन लाइंस होते हैं, इसका कोई भी मतलब नहीं है, इसका कोई भी मतलब नहीं है। आपने ये नहीं देखना है कि ये रेड हमारे पास लाइन बना है या हमारे पास ग्रीन कैंडल बना है, इसका ट्रेडिंग में कोई भी मतलब नहीं है। अभी मतलब क्या है उस पे हम सब आते हैं। अभी हम देखते हैं, देखो हमारे पास ये वॉल्यूम है। अभी वॉल्यूम से हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास जो मार्केट है, हम क्रिप्टो करेंसी में एक टर्म यूज करते हैं कि वेल की एंट्री हो चुकी है। हाँ,
हम कहते हैं ना कि वेल की एंट्री हो चुकी है, क्रिप्टो करेंसी वेल उसको कहते हैं जिसके पास सबसे ज्यादा क्रिप्टो करेंसी है। सपोज करें अगर हम कहते हैं कि इथेरियम में वेल ने एंट्री ली है, यानी इसका मतलब यह है कि मार्केट ऊपर जाएगी या मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। जब वेल एंट्री को आपने कैसे फाइंड आउट करना है उस पर हम बात करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक कैंडल सा बना है। यहाँ पे आप देखें तो एक बहुत बड़ा कैंडल सा बना है, यहाँ पे भी हमारे पास एक बहुत बड़ा कैंडल सा बना है। तो इसी तरह अगर हम पीछे आए तो पीछे भी आपको बहुत देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा कैंडल बन गया है। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं, अभी हमें ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमें ये रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी एंट्री हो गई है। पहले मैं ये बताऊं कि हमारे पास वॉल्यूम है क्या, इस पे हम क्लियर करें। वॉल्यूम असल में हमारे पास देखो हम कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी इथेरियम है, इथेरियम की प्राइसेस कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है। किस वजह से जाती है, बिकॉज मार्केट में हमारे पास दो किस्म के प्लेयर होते हैं, एक हमारे पास बायर होते हैं एक हमारे पास सेलर होते हैं। अगर हमारे पास बायर भी नहीं है सेलर भी नहीं है तो ऑब्वियसली वहां पे क्या होगा, वहां पे हमारे पास वॉल्यूम नहीं होगा। वॉल्यूम कहाँ से आता है, या तो बायर से आता है या तो सेलर से आता है। अगर बायर उसको बाय करेंगे तो वॉल्यूम आएगा, प्राइसेस ऊपर की तरफ बढ़ेगी। अगर हमारे पास जो सेलर है वो उसको बेचेगा तो भी हमारे पास मार्केट में वॉल्यूम आएगा। दोनों शुरू में हमारे पास वॉल्यूम आ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास बिल्कुल इस लेवल पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास न बायर थे और न हमारे पास सेलर थे, यानी बहुत ज्यादा कम थे। यानी ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि हमारे पास बिल्कुल बायर ही ना हो या सेलर ही ना हो, ये तो होते हैं। लेकिन इस लेवल पे आप देखो तो यहाँ पे हमारे पास बायर और सेलर कम थे। कैसे हमें पता चला, आप लोग इस ग्राफ को देख सकते हैं कि ये ग्राफ हमारे पास कितना ज्यादा कम मिला और मुसलसल ये डिक्रीज हो रही थी। तो इसका मतलब ये था कि यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम कम है, और जब मार्केट में हमारे पास वॉल्यूम कम होती है तो वहां पे हमारे पास जो यहाँ पे जो प्राइस एक्शन है वो कंसोलिडेशन करते हैं, या तो नीचे की तरफ जाती है या कंसोलिडेशन करते हैं। और मैंने जैसे बात की थी पिछले सेशन में कि जब प्राइस कंसोलिडेट होते हैं तो वहां पे हमने ट्रेडिंग नहीं करनी है, हमने ट्रेडिंग करनी है हमेशा हमेशा हमने ट्रेंडिंग मार्केट में करनी है, या तो मार्केट ऊपर की तरफ जा रही हो या तो मार्केट नीचे की तरफ जा रही हो, तो हमने वहां पे करनी है। अभी जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है तो उसका मतलब यह है कि मार्केट में बायर है, और बायर का मतलब क्या है कि वॉल्यूम बढ़ेगी। अगर हम मार्केट नीचे की तरफ जा रही है तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास सेलर है, मार्केट में सेलर है वो उसको सेल कर रहे हैं, तो अभी वॉल्यूम हमारे पास ऊपर की तरफ जाएगी। अभी ये नहीं है कि वॉल्यूम हमारे पास प्राइसेस जो ऊपर जाएगी तो वॉल्यूम भी ऊपर जाएगी। देखो मैं एक और चीज आपको बताता हूँ, मैं इसको फर्दर क्लेरिफाई कर देता हूँ। देखो अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, देखो हमारे पास अगर हमारे पास प्राइसेस है, प्राइसेस अगर हमारे पास ऊपर की तरफ जा रही है, प्राइसेस हमारे पास ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, तो ये हमारे पास प्राइस हुआ, प्राइसेस हमारे पास ऊपर की तरफ जा रही है। अगर इसके साथ साथ हमारे पास जो वॉल्यूम है वॉल्यूम भी ऊपर की तरफ जा रहा है, इस तरह हमारे पास वॉल्यूम है, हमारे पास जो वॉल्यूम है वॉल्यूम भी ऊपर की तरफ जा रहा है। सपोज करो ये हमारे पास कैंडल है, वॉल्यूम भी हमारे पास ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसका मतलब क्या है, तो उसका मतलब ये है कि हमारे पास जो यहाँ पे प्राइसेस ऊपर की तरफ जा रही है वॉल्यूम भी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ट्रेंड है ये स्ट्रांग है, अभी मार्केट और ऊपर की तरफ जाएगी। मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि और मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, एक एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अच्छा तो कहाँ पे हम एग्जाम्पल शेयर करते हैं, देखो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे हमने देख लिया कि हमारे पास यहाँ पे है जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम था डिक्रीज हुआ। अच्छा मैं कौन सा एग्जांपल दूँ, तो यहाँ से आप एग्जांपल देख सकते हैं, देखो हमारे पास यहाँ से है वॉल्यूम हमारे पास इंक्रीज हो रही है, हमारे पास वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। इसके साथ साथ अगर आप प्राइसेस को देखें तो यहाँ से हमारे पास प्राइसेस भी इंक्रीज हो रही है, तो उसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो प्राइसेस इंक्रीज हो रही है वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, तो उसका मतलब ये है कि मार्केट में हमारे पास बायर है उसको बाय कर रहे हैं, प्राइसेस अभी ऊपर की तरफ जाएगी। एक हमारे पास ये सिनेरियो हुआ, मैं फर्दर इसको क्लेरिफाई कर देता हूँ ताकि आप लोगों के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एक हमारे पास एक ऐसा सिनेरियो होता है कि मार्केट हमारे पास नीचे की तरफ आ रही है, जब मार्केट हमारे पास नीचे की तरफ आ रही है लेकिन साथ साथ हमारे पास जो वॉल्यूम है ये बढ़ रहा है, हमारे पास जो वॉल्यूम है ये हमारे पास बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो सेलर है वो मार्केट में ज्यादा है उसको सेल कर रहे हैं, तो हमने क्या करना है, शॉर्ट पोजीशन ओपन करना है या मार्केट को हमने छोड़ना है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो हमारे पास कहाँ पे है, यहाँ पे आप देखो यहाँ पे हमारे पास जो मार्केट थी मुसलसल नीचे की तरफ आ रही थी, इस लेवल की ब्रेकआउट हो गई। लेकिन अगर आप यहाँ से वॉल्यूम को देखें
तो वॉल्यूम हमारे पास इंक्रीज हो रही थी, हालांकि मार्केट हमारे पास नीचे की तरफ आ रही थी, लेकिन हमारे पास वॉल्यूम इंक्रीज हो रही थी सॉरी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो डाउन ट्रेंड है ये मजबूत है, ये स्ट्रांग है। अभी ये इसकी प्राइसेस और नीचे की तरफ जाएगी, इसकी प्राइसेस हमारे पास और नीचे की तरफ जाएगी। तो इस बात को आपने क्लियरिफाई कर दिया, यानी अगर हमारे पास मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, प्राइसेस ऊपर की तरफ जा रही है, वॉल्यूम भी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसका मतलब हमारे पास ये हुआ कि हमारे पास बायर है मार्केट पे, प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास मार्केट डाउन ट्रेंड में है और वॉल्यूम हमारे पास ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास ये हुआ कि हमारे पास सेलर ज्यादा है, बायर हमारे पास कम है, मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। दो सिनेरियो हमारे पास ये हो गए, आपने इसको देखना है। तीसरा सिनेरियो हमारे पास क्या हो सकता है, अगर हमारे पास प्राइसेस ऊपर की तरफ जा रही है, अगर हमारे पास जो प्राइसेस हैं ऊपर की तरफ जा रही है, एक मिनट मैं इसको क्लियर कर देता हूं। अच्छा, अगर हमारे पास जो प्राइसेस हैं, मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे दूं, अगर हमारे पास जो प्राइसेस है ये ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन हमारे पास जो वॉल्यूम है ये मुसलसल डिक्रीज हो रही है, वॉल्यूम हमारे पास डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, यहाँ पे थोड़ी सी कंसोलिडेशन होगी, फिर उसके बाद ट्रेंड हमारे पास रिवर्स हो सकता है। तो एक हमारे पास तीसरा सिनेरियो ये हुआ कि अगर हमारे पास मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, प्राइसेस ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन वॉल्यूम हमारे पास नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास ये हुआ कि हमारे पास जो प्राइसेस ऊपर की तरफ जा रही है, जो अप ट्रेंड है, ये हमारे पास वीक है, इसके बाद प्राइसेस नीचे की तरफ आएगी, प्राइसेस उसके बाद रिवर्सल लेते हैं, मार्केट नीचे की तरफ जाते हैं। तीसरा सिनेरियो हमारे पास ये हुआ। चौथा सिनेरियो हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, अगर हमारे पास मार्केट नीचे की तरफ आ रही है और साथ साथ इसका जो वॉल्यूम है ये भी डिक्रीज हो रहा है, अगर हमारे पास वॉल्यूम है ये भी डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट का यहाँ पे बॉटम है, इसके बाद मार्केट की रिवर्सल होगी और मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। आपने देख लिया कि अगर हमारे पास प्राइसेस ऊपर जाती है और साथ साथ वॉल्यूम भी ऊपर जाता है, तो उसका मतलब ये है कि ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। अगर मार्केट हमारे पास नीचे की तरफ आ रही है लेकिन वॉल्यूम हमारे पास ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये डाउन ट्रेंड हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग है, मार्केट और नीचे की तरफ जाएगी। तीसरे सिनेरियो में हमने क्या कहा कि अगर हमारे पास जो मार्केट है ऊपर की तरफ जा रही है लेकिन वॉल्यूम हमारे पास नीचे की तरफ जा रहा है, तो उसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ट्रेंड है ये वीक है, मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेगा, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आएगा। और चौथी हमने किया सिनेरियो बात की, चौथी सिनेरियो में हमने ये बात की कि अगर हमारे पास प्राइसेस नीचे की तरफ आ रही है और वॉल्यूम भी हमारे पास डिक्रीज हो रही है, प्राइसेस हमारे पास नीचे की तरफ आ रही है, वॉल्यूम भी हमारे पास नीचे की तरफ आ रहा है, तो उसका मतलब हमारे पास ये हुआ कि जो डाउन ट्रेंड है ये हमारे पास कमजोर है, ये हमारे पास ये वीक है, इसके बाद मार्केट रिवर्सल कर सकता है। तो ये चीज ही थी जो आपको याद रखनी चाहिए, बाकी सिंपल है, आपने आना है यहाँ पे, आपने उसको फर्दर देखना है। अच्छा, सॉरी मैं इसको फिर से ऊपर कर देता हूँ। अच्छा, तो हमने जो वॉल्यूम की जो पॉसिबल सिनेरियो थी उसको हमने स्टडी किया कि हमारे पास कौन सी पॉसिबल सिनेरियो हो सकते हैं, चार सिनेरियो। अभी हम इसको देखते हैं, ये चार्ट कहाँ पे गया, अच्छा चलो बिटकॉइन की चार्ट को ओपन करते हैं। बिटकॉइन की चार्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या बनते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हमने जैसी बात की थी, तो यहाँ पे इथेरियम हमें एक बहुत अच्छी वो दे देते हैं चार्ट, वहाँ पे हमारे पास बहुत ज्यादा एग्जांपल बन सकते हैं अगर ये चार्ट को शो करें। अच्छा, चार्ट आ भी गया है इथेरियम का, मैं इसको अभी आप यहाँ पे देखें। जैसे हमने बात की थी कि हमारे पास अगर हमारे पास जो प्राइसेस है वो नीचे की तरफ आ रही है, प्राइसेस हमारे पास नीचे की तरफ आ रही है और साथ साथ हमारे पास वॉल्यूम भी नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास ये है कि हमारे पास जो ट्रेंड है, जो डाउन ट्रेंड है, ये हमारे पास क्या है, वीक है, यानी यहाँ से मार्केट रिवर्सल ले सकता है, ये बात आपको जो चौथी के सामने बताई थी ये क्लियर हो गई। अच्छा, उसके अलावा अगर हम बात करें जैसे तो मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये बात तो क्लियर हो गई कि हमने जो चार वो बता दी आप लोगों को, सिनेरियो बता दी।
आप लोग इस पर प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आप लोगों को उसको और बहुत चीजें आएंगे, बिकॉज बहुत ज्यादा डिटेल है, उतनी ज्यादा डिटेल के साथ नहीं जा सकता एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल इंशाल्लाह हम किसी और दिन इस पर प्रैक्टिस करेंगे, इसी सेशन में अगर हम इसको लर्न करें तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा, तो एक और चीज मैं आपके यहाँ पे आपको बताता हूँ, ये बातें मैंने आपको नहीं बताई कि इसका क्या मतलब है, इसका हमारे पास क्या मतलब है, इसका हमारे पास क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो मार्केट है, यहाँ पे एक बहुत बड़ी एंट्री हो सकती है, यहाँ पे हमारे पास एक बहुत बड़ी एंट्री हो गई है, यानी वेल की एंट्री हो चुकी है, जिसे हम क्रिप्टो करेंसी पे कहते हैं कि वेल की एंट्री हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक बहुत बड़ा कैंडल हमारे पास बन गया, लेकिन आपने ये सेटअप को देखना है, बहुत बड़ा हमारे पास यहाँ पे एक कैंडल बन गया, आपने इसको देख लिया, ये बन गया है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये लेवल था, एक रेजिस्टेंस लेवल था, एक हमारे पास सप्लाई जोन था, इसकी ब्रेकआउट भी हो गई। हमने ब्रेकआउट स्ट्रेटजी पढ़ी थी कि यहाँ पे इसकी ब्रेकआउट भी हो गई, लेकिन एक बहुत बड़े कैंडल के साथ इसकी ब्रेकआउट हो गई। तो अभी इसने क्या कंफर्मेशन हमें दी, इसने हमें ये कंफर्मेशन यहाँ पे दी कि हमारे पास जो मार्केट है, हमारे पास मार्केट है, यहाँ पे एंट्री हो चुकी है, वेल ने मार्केट में एंट्री ली हुई है। यहाँ पे आप देख लें कि वेल ने यहाँ पे एंट्री ली है, ऑलरेडी वेल ने यहाँ पे एंट्री ली है, इतना बड़ा हमारे पास कैंडल भी हमारे पास बन गया है। इसको वन और पी चार्ट पे मैं कर लूं। अच्छा, यहाँ पे हमने देख लिया कि यहाँ पे हमारे पास एक कैंडल भी बन गया, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास वेल की एंट्री हो चुकी है। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने वेट करना है कि क्या हमारे पास ये कैंडल है, ये ऊपर सस्टेन हो जाते या सस्टेन नहीं हो जाते। यहाँ पे देख लिया कि हमारे पास यहाँ पे सस्टेन भी हो गए, इसका मतलब ये है कि एक तो हमारे पास क्या हो रहा है चार्ट के साथ। अच्छा, एक तो हमारे पास ये हो गया कि हमने देख लिया कि हमारे पास जो इथेरियम है, इसकी जो एक ब्रेकआउट भी हो गई, हमारे पास जो इथेरियम थी इसकी हमारे पास एक ब्रेकआउट भी हो गई। वॉल्यूम ने भी हमें ये इंडिकेशन दी कि यहाँ पे जो वेल है इसकी एंट्री हो चुकी है, वॉल्यूम ने हमें ये इंडिकेशन दी कि वेल की यहाँ पे एंट्री हो चुकी है। और जैसी वेल की एंट्री हो जाती है, और ये स्पेसिफिक जो हमारे पास लेवल होते हैं, जैसी इसकी ब्रेकआउट हो जाती है, हमारे पास ब्रेकआउट भी हो गई, उसके बाद हमारे पास रिटेस्टिंग भी हो गई, यानी हमें मल्टीफंड कंफर्मेशन मिल गई। तो अभी हमारे पास ये क्या है, अभी आपने यहाँ पे ट्रेड लगाना है, जैसे ही आप यहाँ पे ट्रेड लगाएंगे तो प्राइसेस हमारे पास ऊपर की तरफ चली गई, फिर से नीचे आ गई, उसके बाद प्राइसेस ऊपर की तरफ चली गई। क्योंकि जब मार्केट में वेल एंट्री लेते हैं, उसके बाद हमारे पास मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। और वेल को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, वेल को आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। आप देख लिया कि यहाँ पे फिर से एक वेल ने एंट्री ली है, और ये हमारे पास कौन सा लेवल है, ये हमारे पास ये लेवल है। उसके बाद हमारे पास मार्केट ऊपर की तरफ चली गई, और यहाँ से हमारे पास मार्केट नीचे की तरफ आई। यहाँ से हमारे पास मार्केट क्यों नीचे की तरफ आई, तो आपने इसके लिए क्या करना है, आपने मैंने जैसे बात की थी कि आपने एक स्पेसिफिक जो इम्पोर्टेंट लेवल है, आपने उसको आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे आप देख लो कि इससे पहले हमारे पास मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस मिली थी, यहाँ से हमारे पास रेजिस्टेंस मिली थी मुकम्मल, तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा सेलर है, यहाँ पे हमारे पास एक सप्लाई जोन है, यहाँ से लोग सेल करके मार्केट से निकल जाएंगे। तो आपने इस बात को देख लिया, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो ये है, जो ये हमारे पास देखो रेड कैंडल है, ये हमारे पास ग्रीन कैंडल है, ये हमारे पास रेड है, ये हमारे पास ग्रीन है, ये हमारे पास ग्रीन है, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है रेड ग्रीन का। मैंने जैसे कैंडल में आप लोगों के साथ बात की थी जब हम कोर्स को डिस्कस कर रहे थे, एक आपने पैटर्न को देखना है, कैंडल हमारे पास ग्रीन हो चाहे हमारे पास रेड हो कोई मैटर नहीं करता, बल्कि आपने क्या करना है, आपने इसकी जो फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन को देखना है। अभी आपने यहाँ पे देख लिया कि हमारे पास यहाँ पे एक बहुत बड़ा कैंडल बन गया, लेकिन यहाँ पे आप देख लिया कहाँ पे बन गया, अभी हमारे पास ये बन गया एक ऐसी पोजिशन पे, हमें एक बन गया है। अच्छा, अभी देख लो कि हमारे पास कौन सी पोजिशन पे बन गया, मार्केट तो हमारे पास नीचे की तरफ आ रही थी, लेकिन यहाँ पे आपने देख लिया कि हमारे पास एक ग्रीन कैंडल बन गया। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें इस लेवल पे, यहाँ पे तो हमें कोई कंफर्मेशन भी नहीं मिली, हमें तो बिल्कुल ये भी इंडिकेशन नहीं दी कि मार्केट में जो वेल थी इसने एंट्री ली। जब मार्केट में वेल एंट्री लेता है तो ऑब्वियसली वहां पे मार्केट हमारे पास थोड़ी सी सस्टेन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास छोटे कैंडल बने मुकम्मल, यहाँ पे हमारे पास फिर से कंसोलिडेशन स्टार्ट हो गई। और जब कंसोलिडेशन होती है, वॉल्यूम हमारे पास बिल्कुल है ही नहीं, तो यहाँ पे हमने बिल्कुल एंट्री लेनी ही नहीं है, बिकॉज हमने इसमें लेवल जैसे ही इसकी ब्रेकआउट हो गई और वेल ने यहाँ पे फर्दर एंट्री ली, हम मार्केट में जाएंगे। तो ये थी हमारे पास एक वॉल्यूम एनालिसिस, पहले आपने इसको समझना है। जैसे हमने फोर स्ट्रेटजी की बात की, उसके अलावा हमने ये कुछ स्ट्रेटजी की बात की थी, इंशाल्लाह हम आने वाले सेशन में इस पे प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आप लोगों के जितने भी कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाए। तो ये तो आप लोगों को आई होप क्लियर होगी।
अभी हम जाते हैं रसोई डाइवर्जेंस के बारे में, क्योंकि हम कोशिश करते हैं, वैसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, इंशाल्लाह कल की सेशन में या परसों की सेशन में हम उसको फर्दर डिस्कस करेंगे। अभी वॉल्यूम को मैंने यहाँ पे क्लोज कर लें। अभी मैंने एक और चीज आप लोगों को सिखाना है, जिसको हम कहते हैं आरएसआई डाइवर्जेंस। अभी हमारे पास है रिलेटिव स्टेट इंडेक्स, आपने इसको देख लिया फेवरेट में, अगर आप उसको वो करेंगे आरएसआई रिलेटिव स्टेट इंडेक्स। अच्छा, अभी हमने देखना है कि मार्केट तो ऊपर की तरफ जाएगी, वेन ने एंट्री ली है। अभी वॉल्यूम को भी हम यूज करेंगे, ये भी हमारे पास इंडिकेटर है, लेकिन हमने एक और इंडिकेटर को यूज करना है जिसको हम कहते हैं आरएसआई इंडिकेटर। आपने इस पे क्लिक करना है, जैसे क्लिक करेंगे आपके पास इसी तरह का एक आरएसआई इंडिकेटर आ जाएगा। इसमें मैं बिल्कुल आप लोगों को एक सिंपल उर्दू में समझाता हूँ, एक सिंपल जबान में, कोई भी मैं टेक्निकलिटी नहीं लाता, ताकि आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ इसकी समझ आए। इसकी हमारे पास जो रेंज होती है वो जीरो से लेकर 100 तक होती है। देखो ये 30 है, ये 70 है, लेकिन इसका जो रेंज हमारे पास होता है वो जीरो से 100 तक, यानी ये इस रेंज से ऊपर भी जा सकता है, लेकिन मोस्टली ये इस रेंज के दरमियान इसकी फ्लक्चुएशन होती है। अभी अगर हमारे पास ये इस 70 के रेंज से, ये 70 रेंज आप देख सकते हैं, एक 70 के रेंज से अगर ऊपर की तरफ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो इथेरियम की प्राइसेस है ये और प्राइस है। हम जैसे कहते हैं कि मार्केट में किसी भी चीज की जब प्राइसेस, जब तक और प्राइसिंग, हम कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं हम कहते हैं कि इसकी ये और प्राइस है। और प्राइस का मतलब ये है कि उसकी जो असल वैल्यू है, उसकी जो रियल वैल्यू है, उस वैल्यू से इसकी प्राइसेस मार्केट में ज्यादा लोग चार्ज करते हैं, तो उसके बाद क्या होगा, लोग ऑब्वियसली उसको बाय नहीं करेंगे ना। जब कोई चीज एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की आपकी जो प्राइसेस है वो आपसे ज्यादा चार्ज करते हैं, तो ऑब्वियसली फिर आप उसको बाय नहीं करेंगे, उसको बाय नहीं करेंगे। जब उसको बाय नहीं करेंगे तो आपने देख लिया, इसको हम कहते हैं ये लेवल हमारे पास क्या है, और प्राइसिंग, और प्राइसिंग या और बॉट, यानी जरूरत से ज्यादा लोगों ने इसको बढ़ा चढ़ाकर बात की है, हालांकि इसकी वैल्यू इस तरह नहीं है। जब यहाँ पे पहुंच जाती है, यानी 70 पे पहुंच जाती है, इसके ऊपर पहुंच जाती है, तो ये 100 तक जा सकती है, लेकिन जब 70 से ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये हमारे पास एक ऐसा लेवल है जो हमें ये इंडिकेट करता है कि मार्केट हमारे पास नीचे की तरफ आएगी। उसके अलावा अगर हम बात करें, अगर हमारे पास ये जो 30 है, 30 से नीचे की तरफ जाता है, ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास आ गया है 17 पे, यानी 30 से बहुत ज्यादा नीचे की तरफ आ गए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास बहुत ज्यादा और जिसको हम कहते हैं कि अंडर प्राइस है। एक और प्राइसिंग होती है, एक अंडर प्राइसिंग होती है, यानी सपोज करो अगर हमारे पास इथेरियम के प्राइसेस यहाँ पे $1,000 थी, $1,000 थी, लेकिन इसकी जो असल वैल्यू थी, असल वैल्यू इसकी ये नहीं थी, असल वैल्यू इसकी ये थी $1,100। हालांकि मार्केट में ये बहुत ही आसान मिल रहा था, ऑब्वियसली जब लोगों को आसान मिलेगा, डिस्काउंट में मिलेगा, तो लोग उसको बाय करेंगे, और जैसे ही इस लेवल पे आ जाती है तो लोग उसको बाय करते हैं, मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर मार्केट यहाँ पे आ जाती है, यानी 30 से नीचे आ जाती है, तो इसका मतलब हमारे पास ये हुआ कि जो हमारे पास कॉइन है, कोई भी क्रिप्टो करेंसी है, ये हमें डिस्काउंट में मिल रहा है, प्राइसेस ऊपर की तरफ जाएगी। अगर हमारे पास 70 से ऊपर जाता है तो उसका मतलब ये है कि लोग ऐसे ही सट्टे यहाँ पे लगाते हैं, स्पेकुलेशन करते हैं, हालांकि इसकी प्राइसेस यहाँ पे ये नहीं है, इथेरियम की प्राइसेस हमारे पास ये नहीं है, ये और प्राइस हो गई है। अभी इसके बाद मार्केट हमारे पास नीचे की तरफ आएगी, इसकी बात तो आपको समझ आएगी। ये हमारे पास RSI, इसको हम कहते हैं रिलेटिव स्टेट इंडेक्स। अभी हमारे पास जो रिलेटिव स्टेट इंडेक्स है, ये हमें क्या बताता है, ये हमें मोमेंटम बताता है। ये इथेरियम है, इसका मोमेंटम बताता है कि जो प्राइसेस ऊपर की तरफ जा रही है, कि ये ट्रेंड जो बन रहा है, कि ये हमारे पास है, इसमें मोमेंटम है। यानी मोमेंटम का मतलब ये हुआ कि क्या हमारे पास इसमें इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है कि ये इसी जो ट्रेंड है इसको बरकरार रख सके, और इसकी प्राइसेस है ये और इसी तरफ फर्दर ऊपर की तरफ चली जाए। मोमेंटम हम इसी को कहते हैं। अभी अगर हमारे पास मार्केट नीचे की तरफ आ रही है तो हमें ये इंडिकेशन देता है RSI कि मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, क्या ये इसमें इतना ज्यादा स्ट्रेंथ है, इतना ज्यादा जोर है कि ये मार्केट और नीचे की तरफ चली जाए, या मार्केट ने रिवर्सल लेना है, ये चीज हमें ये बताता है, यानी मार्केट के मोमेंटम के बारे में बताते हैं। अच्छा, तो अभी हमारे पास RSI डाइवर्जेंस क्या है, RSI पे तो हमने बात की, अभी हमारे पास RSI डाइवर्जेंस क्या है। एग्जाम्पल के साथ एक आसान अल्फाज में मैं आप लोगों को समझाता हूँ। सपोज करो कि हमारे पास प्राइसेस ऊपर की तरफ जा रही है, फिर से इसने करेक्शन ली, फिर से प्राइसेस ऊपर की तरफ चलेगी, फिर से करेक्शन ली, फिर से इसकी प्राइसेस ऊपर की तरफ चली गई, तो ये हमारे पास क्या हुआ, तो ये हमारे पास प्राइसिंग हो गई, इथेरियम की हमारे पास प्राइसिंग हो गई। आपने इसको नोट करना है। अच्छा, अभी हम देखते हैं RSI को, हम देखते हैं, अभी हम यहाँ पे हमारे पास RSI को देखते हैं। अभी हमारे पास जब प्राइसेस यहाँ पे पहुंच गई,
तो RSI ने क्या किया कि RSI ऊपर की तरफ चली गई, यहाँ पे चली गई। PSE जब प्राइस नीचे की तरफ आएगी तो ऑब्वियसली RSI भी नीचे की तरफ आएगी, लेकिन जब इसने ऊपर एक बहुत बड़ा पीक बनाया, प्राइस ऊपर की तरफ चली गई, लेकिन RSI ने किया कि RSI ने हमारे पास जो अच्छा तो इसको मैं अगर एक और कलर दूं, तो RSI ने यहाँ पे क्या किया कि RSI ने हमारे पास यहाँ पे एक बड़ा पीक नहीं बनाया, इसने एक बहुत बड़ा पीक बनाया। यहाँ पे हम एक और चीज को देखते हैं, यहाँ पे आप देखें, देखो हमारे पास RSI डाइवर्जेंस क्या है। RSI डाइवर्जेंस हमें ये बताता है कि हमारे पास जो इथेरियम की प्राइसेस है या किसी भी क्रिप्टो करेंसी की प्राइसेस है, इसमें कुछ गड़बड़ है। ये प्राइसेस ऊपर की तरफ जा रही है लेकिन इसमें हमारे पास कुछ गड़बड़ है, मार्केट हमारे पास ठीक नहीं है, बिल्कुल मार्केट की हमारे पास तबीयत ठीक नहीं है, कुछ होने वाला है, हमें ये बताता है कुछ होने वाला है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हमारे पास इथेरियम की प्राइसेस क्या थी, यहाँ पे हमारे पास इथेरियम की प्राइसेस क्या थी, हमारे पास थी 12 अच्छा यहाँ पे हमारे पास इथेरियम की प्राइसेस क्या थी, 1245 डॉलर थी, और यहाँ पे हमारे पास इथेरियम की प्राइसेस क्या थी, हमारे पास थी 1300 यानी 1300 डॉलर, यहाँ पे हमारे पास थी 1245 डॉलर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमारे पास ये हुआ कि प्राइसेस हमारे पास ऊपर की तरफ जा रही है, हमारे पास जो प्राइसेस है ऊपर की तरफ जा रही है। लेकिन अगर हम RSI की बात करें, सपोज करें ये लेवल हमारे पास क्या है, सपोज करो हमने जैसी बात की कि ये हमारे पास एक 70 का लेवल है, सपोज करो हम एग्जांपल लेते हैं कि ये हमारे पास एक 70 का लेवल है जो से अच्छा, तो यहाँ पे आप देखो हमारे पास यहाँ पे RSI कितना है, सपोज करो हम 70 पे है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, RSI क्या है, डिक्रीज हो गया ना, 70 सपोज करो 40 पे डिक्रीज हो गया, तो यहाँ पे आपने एक लाइन ड्रॉ किया। अभी आपने देख लिया कि हमारे पास जो प्राइस है ये तो कह रहा है कि प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन RSI तो हमें कह रहा है कि नहीं, हमारे पास जो मोमेंटम है ये तो नीचे की तरफ आ रही है। तो आपने बस समझना है कि मार्केट में हमारे पास गड़बड़ है, मार्केट की हमारे पास तबीयत ठीक नहीं है, मार्केट में कुछ होने वाला है। अभी क्या होने वाला है इसको हम डिस्कस करेंगे। अभी हम आते यहाँ पे हम इसको चार्ट में देखते हैं। अभी अच्छा हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेते हैं ताकि आप लोगों को मैं कुछ एग्जांपल शो करूं। मोस्टली RSI कब बनती है, देखो हमारे पास जब ट्रेंड खत्म हो जाता है वहां पे हमारे पास RSI बनती है। सपोज करो अगर हमारे पास मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, मार्केट हमारे पास नीचे की तरफ आ रही है, अगर यहाँ पे हमारे पास RSI डाइवर्जेंस बनता है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। उसके अलावा अगर हमारे पास मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ पे अगर हमारे पास RSI डाइवर्जेंस बनता है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट नीचे की तरफ आएगी, क्योंकि मोमेंटम को हम शो करते हैं। एग्जाम्पल के समय समझाता हूँ, यहाँ पे आप देखो यहाँ पे हमारे पास इथेरियम की प्राइसेस क्या है, यहाँ पे आप देखो यहाँ पे हमारे पास इथेरियम की प्राइसेस क्या है, 1231 डॉलर, 1231 डॉलर पे है। यहाँ पे हमारे पास इथेरियम की प्राइसेस क्या है, यहाँ पे हमारे पास है 1275 डॉलर। तो इसका मतलब ये है कि इथेरियम की प्राइसेस हमारे पास ऊपर की तरफ जा रही है, इथेरियम की प्राइसेस हमारे पास ऊपर की तरफ जा रही है। लेकिन RSI क्या कहते हैं, देखो इस लेवल पे हमारे पास इथेरियम की प्राइसेस को देखो, यहाँ पे हमारे पास RSI क्या कहते हैं, RSI हमारे पास क्या पे था, 73 पे था, RSI हमारे पास 73 पे था। जब इसने हमारे पास ऊपर एक और पीक बनाया तो यहाँ पे हमारे पास जो RSI ने यहाँ पे भी एक पीक बनाया, लेकिन हमारे पास ये क्या हुआ 68, ये क्या हुआ 74 73, और ये हमारे पास 68, यानी इसका मतलब ये हुआ कि RSI हमारे पास नीचे की तरफ आ रहा है, यानी मार्केट में हमारे पास कुछ गड़बड़ है। और इसी तरह गड़बड़ हमें ये बताता है कि मार्केट का जो मोमेंटम है, तो मार्केट ने एक मोमेंटम पकड़ा था कि ये मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, तो ये मोमेंटम हमारे पास वीक हो गया है, तो ये मोमेंटम हमारे पास वीक हो गए हैं, इसके बाद हमारे पास मार्केट नीचे की तरफ आएगी, उसके बाद हमारे पास मार्केट नीचे की तरफ आएगी, मार्केट हमारे पास नीचे की तरफ आ गया। तो एक एग्जाम्पल आप लोगों ने देख ली। अच्छा हम जाते हैं इसको फर्दर देखते हैं, एक और एग्जाम्पल के साथ हम देखते हैं ताकि हम इसको और क्लियरिफाई कर सके कि हमारे पास बाकी इसी तरह होता है या नहीं होता। यहाँ पे आप देखो मार्केट हमारे पास ऊपर की तरफ जा रही है, मार्केट हमारे पास ऊपर की तरफ जा रही है। अभी हम देखते हैं कि इसकी मोमेंटम को देखते हैं कि जब मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो क्या हमारे पास ये मोमेंटम है कि स्ट्रांग है या वीक है। अभी हम क्या करते हैं, अच्छा तो यहाँ पे आप पहले देखो, पहले आपने यहाँ पे देखना है, पहले आपने यहाँ पे देखना है। अच्छा यहाँ पे देख लो हमारे पास इथेरियम की प्राइसेस क्या थी, इथेरियम की प्राइसेस हमारे पास थी तकरीबन 1160 डॉलर, 1160 डॉलर, यहाँ पे हमारे पास क्या थी, और यहाँ पे हमारे पास है 1190 डॉलर, तकरीबन 1190 डॉलर, 1160 डॉलर, 1190 डॉलर। तो इसका मतलब यह है कि इथेरियम की प्राइसेस हमारे पास ऊपर की तरफ जा रही थी, इथेरियम की प्राइसेस हमारे पास ऊपर की तरफ जा रही थी।
यहाँ पे हमारे पास RSI क्या था, RSI हमारे पास क्या था 67 पे था, और यहाँ पे हमारे पास RSI किस पे था 63 पे था, यानी RSI हमारे पास नीचे की तरफ आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट में हमारे पास कुछ गड़बड़ है, मार्केट ने हमारे पास बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं करे। जब इसी तरह का डाइवर्जेंस आते हैं, कंफ्यूजन आते हैं, तो मार्केट हमारे पास उसी के मुताबिक फिर वो करता है। तो आपने देख लिया कि मार्केट हमारे पास नीचे की तरफ आ गई, ये डाइवर्जेंस हमारे पास एक बियरिश डाइवर्जेंस होता है। अभी हमारे पास जब ये डाइवर्जेंस बनता है, मार्केट ऊपर की तरफ जाते हैं, और वहां पे हमारे पास जब डाइवर्जेंस बनता है तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक बियरिश डाइवर्जेंस है, मार्केट नीचे की तरफ आएगी। एक और एग्जाम्पल के साथ हम जाते हैं, अभी हम एक बुलिश डाइवर्जेंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। और बुलिश डाइवर्जेंस को आप कहाँ पे देखेंगे, आप वहां पे देखेंगे, देखो यहाँ पे मार्केट हमारे पास गिर रही है, यहाँ पे हमारे पास मार्केट गिर रही है, और जब मार्केट गिर रही है अगर यहाँ पे हमारे पास कोई देखो हमारे पास अभी हमें पता नहीं चलता कि इसकी मोमेंटम हमारे पास क्या है, इसकी हमारे पास मोमेंटम हमारे पास क्या है। अभी हम देखते हैं कि कोई RSI ऐसे डाइवर्जेंस बनता है तो हमें ये इंडिकेशन दे कि अभी हमारे पास जो डाउन ट्रेंड है इसकी जो मोमेंटम है ये कमजोर हो रही है। अब जब डाउन ट्रेंड की मोमेंटम हमारे पास कमजोर होगी तो ऑब्वियसली पे रिवर्सल होगी, फिर उसके बाद मार्केट हमारे पास ऊपर की तरफ चली जाएगी। हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई हमारे पास डाइवर्जेंस बनता है, यहाँ पे तो हमारे पास कोई भी नहीं बनता। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने एक फाइंड आउट किया, यहाँ पे हमने एक फाइंड आउट किया, यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे हमारे पास मार्केट को देख लो, यहाँ पे हमारे पास इसकी प्राइसेस क्या है, इसकी प्राइसेस हमारे पास है $1100 $1100 है। यहाँ पे हमारे पास इसकी प्राइसेस हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास ये $1015। तो उसका मतलब ये हमें ये बताता है कि प्राइसेस नीचे की तरफ आ रही है, हमारे पास क्या बताता है कि मार्केट की प्राइसेस नीचे की तरफ जा रही है। लेकिन लेकिन हमारे पास RSI क्या बताता है, RSI को हम देख ले तो RSI हमें क्या बताता है इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास RSI क्या है, तो यहाँ पे हमारे पास RSI है 24 पे, RSI हमारे पास 24 पे है, और यहाँ पे हमारे पास RSI क्या है 28 पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि RSI हमारे पास इंक्रीज हो रही है, RSI हमारे पास इंक्रीज हो रही है, लेकिन प्राइस तो हमें कह रहे हैं कि ये डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट हमारे पास जो डाउन ट्रेंड में है, एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो मार्केट है ये मोमेंटम इसने लॉस की है, मोमेंटम लॉस की है, यानी ये मार्केट तकरीबन बॉटम पे पहुंच गया है। तो ये हमें ये बताता है कि मार्केट ने रिवर्सल लेना है, और मार्केट रिवर्स ली गई, और उसने आपने देख लिया कि मार्केट ने इसके बाद रिवर्सल ली, मार्केट ऊपर की तरफ चली गई, आपने इसको देख लिया। अच्छा, तो आपने इसको देख लिया, क्योंकि इतने ही प्रॉफिट आपको हो जाते हैं। मैंने सिर्फ आपको डाइवर्जेंस समझाना है, उसके अलावा आने वाले सेशन में हम उसको फर्दर डिस्कस करेंगे। तो आपने इस पर प्रैक्टिस करना है, और उस पर बार बार प्रैक्टिस करना है। देखो यहाँ पे आप देख लो कि हमारे पास यहाँ पे इथेरियम की प्राइसेस हमारे पास क्या थी, यहाँ पे हमारे पास इथेरियम की प्राइसेस थी $1700, यानी तकरीबन $1790 थी, और यहाँ पे हमारे पास क्या थी, हमारे पास $1752, यानी ये हमें ये इंडिकेट कर रही थी कि प्राइसेस हमारे पास नीचे की तरफ आ रही है। लेकिन यहाँ पे आप अगर आप RSI को देखें तो RSI हमारे पास क्या है 21 पे है, और यहाँ पे हमारे पास RSI क्या है 28 पे है, यानी RSI हमें ये बता दिया कि RSI ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये हमारे पास एक बुलिश हमारे पास एक डाइवर्जेंस है, प्राइसेस ऊपर की तरफ जाएगी। लेकिन जैसे हमने बात की कि हमने जो ब्रेकआउट स्ट्रेटजी की बात की थी, रिटेस्टिंग की बात की थी, हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की बात की थी, हमने वॉल्यूम की बात की थी, हमने RSI की बात की, RSI डाइवर्जेंस की हमने बात की, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। अभी हमने ट्रेडिंग में इन सारी चीजों को हमने देखना है, इन सारी चीजों को हमने देखना है। अभी आने वाले सेशन में हम इस पे प्रैक्टिस भी इंशाल्लाह करेंगे, इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि हमने एंट्री कैसे ली है, अभी हमने इस पॉइंट को हमने एंट्री कैसे ली है। सपोज करो हमारे पास इस लेवल को आपने देख लिया, हमने बात की थी कि हमारे पास ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस मिली, फिर से रेजिस्टेंस हमारे पास मिली, तो यहाँ पे हमारे पास एक इम्पोर्टेंट लेवल है। अभी जैसे ही इस लेवल की हमारे पास ब्रेकआउट हो जाती है, और हमने वॉल्यूम की देखना है, ब्रेकआउट हो गई इसका मतलब ये है कि प्राइस ऊपर की तरफ चली जाएगी। हमने यहाँ पे अपना ट्रेड ओपन किया, कितना है $1863, और यहाँ पे हमारे पास पहुंच गई $1900, यानी तकरीबन $40-50 का हमारा प्रॉफिट हो गया। ये तो एक एग्जांपल हो गए, इंशाल्लाह कल के सेशन में हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे, बहुत सारे एग्जांपल भी हम लेंगे, और इसकी इसकी बेस पे आपने इसको एंट्री और एग्जिट पॉइंट कैसे लेने हैं। वैसे हमने ये सारे टूल तकरीबन डिस्कस किए हैं, अभी हमने इन सारे स्ट्रेटजी को इंटीग्रेट कैसे करना है। हमने ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, रिटेस्टिंग, हमने रिवर्सल स्ट्रेटजी, हमने वॉल्यूम को, हमने RSI डाइवर्जेंस को, उसके अलावा आने वाले सेशन में हम पहले जो मूविंग एवरेज है उसमें भी बात करेंगे कि मूविंग एवरेज को आप कैसे यूज कर सकते हैं।
अभी आपने इन सबको इंटीग्रेट करके ट्रेडिंग कैसे करनी है, ये तो हमने सारे कंसेप्ट को पढ़ लिए और डे ट्रेडिंग में हमारे पास ये चीजें यूज होते हैं। अभी आपने इसको इंटीग्रेट कैसे करना है, इंशाल्लाह इस पर भी हम बात करेंगे। अभी हमारे सेशन है, सेशन का टाइम है, ये कंप्लीट होता जा रहा है, इंशाल्लाह हम कल के सेशन में जरूर मिलेंगे। अगर आप में से किसी का क्वेश्चन है तो आप जरूर कह सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में आप क्वेश्चन करें, मैं उसका आंसर करता हूँ। कल ईद है, आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। इंशाल्लाह ईद के दूसरे दिन हम एक और सेशन अरेंज करेंगे। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने ज्वाइन किया। मे गॉड ब्लेस यू।